हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं शक्ल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूँ। सो यहाँ पर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। अभी हमने मेट्राइसेस पढ़ लिया था, मेट्राइसेस सारी हमने थ्योरी, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। और अगर हम मेट्राइसेस के आगे एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या कहलाता है? लगभग लगभग इसका डिटर्मिनेंट ही कहलाता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ही कहलाता है। तो यहाँ पर वैसे अगर बात करें मेट्राइसेस में, तो यहाँ पर मैंने आपको डिटर्मिनेंट लगभग फाइंड करना सिखाया था ना, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर उसकी सारी की सारी एडवांस चीज़ें हम सीखने वाले हैं ना। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको शुरू से लेके एंड तक इस लेक्चर में, कौन से? डिटर्मिनेंट में, बस जुड़े रहना हमारे साथ। देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के डेफिनेशन देखेंगे, कुछ बेसिक से टर्मोलॉजी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, रिमार्क्स है, कुछ सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। और फिर हम एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे होता है ना, एक्सपांशन करने के क्या क्या तरीके, क्या क्या फॉर्म है, सब कुछ आज यहाँ पर हम देखने वाले। तो डिटर्मिनेंट आपको दिख ही रहा हूँ किस टाइप से होता है, वर्टिकल बार होते हैं, मैंने बताया था। मैट्रिसेस में मैंने आपको पहले बता दिया था डिटर्मिनेंट कैसा होता है। कुछ नहीं सर, मैट्रिक्स जैसा ही होता है। मैट्रिक्स के जो, अगर हम बोले तो बॉक्स के फॉर्म में होता है मैट्रिक्स, कुछ ऐसा। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? कुछ नहीं सर, वर्टिकल बार लगा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहती है। ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ जाएंगे, A11, A12, A21, A22। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स A था, ठीक है सर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A लगा दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? वर्टिकल बार आ गए। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इसको डेल्टा, या तो डेल्टा लिख दीजिए या फिर डेल्टा सबस्क्रिप्ट A लिखिए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ये सब चीज़ें तो हो गई। देखिए क्या बोला गया है डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, क्या बोला गया थ्योरम। कंसिडर दी सिस्टम ऑफ टू होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। दो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दे दी गई है। क्या है? दो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब होमोजेनियस क्या होता है? देखो यहाँ पर कीवर्ड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको पता होना चाहिए होमोजेनियस क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे? सर कुछ नहीं, सबसे पहले होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को समझ लेते हैं, ये होती क्या है। तो मैं बोलूँगा भैया होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ाता हूँ, उसकी मदद से आप होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पहचानने लग जाओगे कि हाँ ये होती कैसे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले होमोजेनियस, ज़्यादा नहीं, दो चार मिनट लगेंगे है ना इसको समझने में। मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वाई गिवन है। क्या गिवन है? सर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे? सर यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देंगे लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ y से। हमने क्या करा? लेफ्ट हैंड साइड में x को रिप्लेस कर दिया लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ x से, एंड y को रिप्लेस कर दिया लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ y से। तो सर यही चेंज राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। राइट हैंड साइड में x से क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ x होल पावर 2। यहाँ x की जगह सर लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ x, y की जगह लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ y, ये आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, सॉरी यहाँ पर लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ एक्स कॉमा लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ वाई है। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करिए तो आपको मिलेगा लैम्ब्डा पावर 2 इंटू एक्स पावर 2, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लैम्ब्डा इंटू लैम्ब्डा क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा पावर 2 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या करूँगा मैं राइट हैंड साइड में आ गया? अब तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, राइट हैंड साइड में आगे अगर हम देखें तो लैम्ब्डा पावर 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखे रहने दीजिए, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ऑफ वाई। कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ऑफ वाई, कहीं देखा हुआ लग रहा है? हाँ सर, हमने इसको देखा था कहाँ पर? ये इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में। तो इसकी जगह मैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया, यहाँ पर लैम्ब्डा पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ लैम्ब्डा एक्स कॉमा लैम्ब्डा वाई हो जाएगा। अब बताइए ये क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर ये है होमोजेनियस इक्वेशन,
क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन। क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन होती क्या है? सर होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन होती है कि हमें फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मिलता है, एक मिनट, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल जाता है, और हम लैम्ब्डा पुट करते हैं तो यहां पर मिलता है लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ, सॉरी, लैम्ब्डा पावर एन इनटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये है इसका फॉर्मूला, अगर ये कंडीशन मिल जाए तो। तो हमारे पास सर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई था, ठीक है, हमने क्या करा, एफ ऑफ लैम्ब्डा एक्स, एक्स का लैम्ब्डा एक्स पुट करा, वाई की जगह लैम्ब्डा वाई पुट करा, और इस टाइप से हमें ये वैल्यू मिल गई। मिली कि नहीं मिली? हाँ सर मिल गई। तो एक बात बताइए, यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें तो एन की वैल्यू क्या मिल रही है? सर 2 मिल रही है। तो ये जो इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली, ये जो हमने ली थी, ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। कौन सी? सेकंड डिग्री। सेम प्रॉपर्टी आप यहां पर अप्लाई करो, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यहां पर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएंगी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है, देखो ना लीनियर क्यों आया, डिग्री 1 है भैया, इसलिए। या तो आप ये बोलिए कि होमोजीनियस डिग्री 1 इक्वेशन। अब डिग्री 1 है तो आप बोलेंगे सर डिग्री 1 है तो लीनियर बन रही है, लाइन की इक्वेशन बन रही है, तो लीनियर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सेकंड वाली भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये तो होमोजीनियस का हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। अब उन्होंने क्या करा है कि आपको सिस्टम दे दिया है, सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशन हो, तो 2 इक्वेशन यहाँ पर है। अब सवाल ये आता है कि भैया मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है हमारे पास। हाँ भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्लास 10th का सर ये चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर है। सॉल्व करने के सर वहाँ पर 3 मेथड हमको बताई गई है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। हमने क्रेमर्स रूल भी पढ़ा है, क्रेमर्स रूल भी पढ़ा है, तो ये चौथा हो जाएंगे 4 मेथड। मैं बोलूँगा नहीं भैया मुझे तो डिटर्मिनेंट, हम चैप्टर पढ़े तो डिटर्मिनेंट की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर वो तो हमें मेथड नहीं पता है। तो मैं अगर कहूँगा कि हम वो मेथड बना सकते भाई, वो मेथड कैसे बनाएंगे सर? तो यहाँ देखिए, a1x plus b1y is equal to 0 है, a2x plus b2y is equal to 0। मैं आपसे कहूँगा कि भैया पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए, ठीक है, पहले वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहली क्वेश्चन आपके पास है a1x plus b1y is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आपके पास सर, a2x plus b2y is equal to 0। ये 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर एक्स वाई की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ एक्स और वाई का रेशो जरूर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप? आप बोलोगे सर ए वन एक्स को एज इट इज लिखने दीजिए, बी वन वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये जाएगा माइनस बी वन टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। अब एक काम करिए सर, ए वन एक्स एज इट इज, वाई को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय वाई, राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस बी वन, ठीक है भैया, माइनस बी वन बच गया। अब मैं क्या करूँ सर, हमें ax डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो ये a1 को भी राइट हैंड साइड में हमें भेजना होगा, भेज दीजिए a1 को राइट हैंड साइड में, तो हमें मिल जाएगा ax डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाय a1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। सेम अप्रोच अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकालिए। आप कहेंगे कि सर a2 x को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहने दीजिए, बी टू वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो यह जाएगा माइनस बी टू टाइम्स ऑफ y। अब मैं क्या करूं सर, ये जो a यहां पर, ये जो x है इसे एज इट इज लिख रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर y हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस बी टू आ जाएगा। अब आगे मैं क्या करूं, तो आप कहेंगे सर हमें यहां पर x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो a2 है इसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस बी टू डिवाइडेड बाय a2। तो ये एक और आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहां से मिल गया। अब बोलेंगे सर इक्वेशन 1 से एक रिजल्ट मिला x डिवाइडेड बाय y, इक्वेशन 2 से भी एक रिजल्ट मिला x डिवाइडेड बाय y, तो यहां पर x डिवाइडेड बाय y की 2 वैल्यू मिल रही है सर हमें। क्या मिल रही है? 2 वैल्यू मिल रही है। तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या मिली आपको सर, पहली वैल्यू हमें मिली माइनस बी वन डिवाइड बाय a1, ठीक है, माइनस बी वन डिवाइड बाय a1 आ जाएगा,
और यही x डिवाइड बाई y की एक और वैल्यू मिली है, तो सर यहाँ भी हम एक इक्वल लगाएंगे, क्या वैल्यू मिली है, माइनस बी टू डिवाइडेड बाई ए टू, माइनस बी टू डिवाइडेड बाई ए टू। भैया ये आपको एक रिजल्ट मिल गया है ना। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जो इक्वेशन वन थी, क्या थी इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमारे पास थी x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाई ए वन, यही थी। हाँ भैया यही थी। तो सर यहाँ से ये जो x डिवाइड बाई वाई है इसकी वैल्यू तो हमें इक्वेशन टू से ही मिल जाएंगी, और क्या वैल्यू थी इसकी, भैया इसकी वैल्यू थी माइनस बी टू डिवाइड बाई ए टू, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और राइट हैंड साइड एज इट इज। अब आप क्या करेंगे सर, बोथ साइड माइनस है तो एक काम करते, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा बी टू डिवाइड बाई ए टू, और राइट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर, बी वन डिवाइडेड बाई ए वन, ये हमें मिल गया। अब क्या कर सकते बताइए, कुछ सोच के बताइए क्या कर सकते सर। अब तो एक चीज ये हो सकती है कि जो राइट हैंड साइड वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर, बी टू डिवाइड बाई ए टू था, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है उसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी वन डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूँ, आप कहेंगे सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा ए वन इन टू ए टू, न्यूमरेटर क्या बनेगा ये बताओ सर, यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा बी टू ए वन माइनस बी वन ए टू इज इक्वल टू जीरो। अब जो डिनोमेटर वाले टर्म्स है ए वन इंटू ए टू, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये न्यूमरेटर जो है राइट हैंड साइड का जीरो से मल्टीप्लाई को क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, बी टू ए वन माइनस बी वन ए टू इज इक्वल टू जीरो। सर ये फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा कुछ इस टाइप से। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी क्या, नहीं, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, नहीं करनी है भाई, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। सर कैसे, इसी रिजल्ट की मदद से हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो इधर ध्यान दो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि भैया ये बी टू था, हाँ सर ये रहा बी टू, इससे कौन मल्टीप्लाई हुआ सर, ये ए वन मल्टीप्लाई हुआ है, ए वन यहाँ है लिख दो ए वन, फिर माइनस आ गया साइन, ठीक है उसको हम याद रखेंगे, हमको बीच में माइनस लगाना है। यहाँ बी वन है, बी वन कहाँ था सर, बी वन यहाँ था तो लिखो बी वन को यहाँ पर, लिख दिया सर। ए टू कहाँ था, ए टू यहाँ था तो ए टू यहाँ आ जाएगा, ये लिख दिया आपने। सर इसको अरेंज करके लिखे क्या, अरेंज करके कैसे सर, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये बी वन और सॉरी बी वन और ए वन सॉरी बी टू और ए वन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो एक काम करते हैं ना सर, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो ये ए वन और बी टू यहाँ आ गए, ठीक है भैया। सर ये ए टू यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे भी ए टू बी वन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए टू बी वन ही मिलेगा, और यहाँ यदि इन दोनों को रिप्लेस कर दूँ, इनकी पोजीशन को रिप्लेस कर दूँ, तब भी मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है सर ए टू बी वन, तो ठीक है भैया मैंने अरेंज करके लिख दिया। कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या सर, ये बीच में माइनस साइन लगाने के लिए हम याद रखेंगे कि भैया हमको ये वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार मतलब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस साइन लगा देना बस, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, नहीं सर देखा हुआ तो नहीं लग रहा है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ देखा था इसे हमने, यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उसी में हमने इसे देखा था, कैसे कैसे सर, कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो ए वन बी वन ए टू बी टू है ये डिटर्मिनेंट लगा दो तो हमारा काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सर इसी तरीके से इसको भी तो चेंज कर सकते, यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर ली ना बस, इन दोनों को चेंज मत करो, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू ए वन बी वन और यहाँ पर आ जाएगा ए टू। अब लगा दो डिटर्मिनेंट, बन गया ना डिटर्मिनेंट, देखो उससे मैच हो रहा है, ए वन बी वन ए टू बी टू मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से ऐसे डिटर्मिनेंट बना था, इस तरीके से सोल्व करना है, इस पूरी प्रोसेस को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लगाना है। याद क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ए वन बी टू से मल्टीप्लाई होगा और माइनस लगा के ए टू बी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू बाय टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए, कौन से टू बाय टू, ये है ना टू बाय टू, दो रो दो कॉलम है कि नहीं है, हाँ सर दो रो दो कॉलम है तो टू बाय टू के लिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएंगी, तो टू बाय टू का जो डिटर्मिनेंट आने वाला है, जो मैट्रिक्स आएगा उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये वाली प्रोसेस ला के हम आंसर ला सकते। सर अगर थ्री बाय थ्री का आ गया तो
तो क्या करेंगे फिर, तो भी यही वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएंगी। तो सर एक काम करते हैं ना, इस रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कैसे सर? जनरलाइज ऐसे कि जैसे यहाँ पर ये ए वन बी वन था तो ए वन बी वन लिख दिया, ए टू बी टू था तो ए टू बी टू लिख दिया आपने। सेम प्रॉपर्टी को हम 3x3 के लीनियर होमोजेनियस सिस्टम में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, नाउ लेट अस कंसीडर दिस सिस्टम ऑफ 3 होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस थ्री सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। थ्री वेरिएबल कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, और थ्री इक्वेशन है। सॉल्यूशन क्या मिलेगा बताओ, थ्री वेरिएबल तीन और साथ में तीन के आपके पास इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। क्लास टेन में आपने पढ़ा है ना, क्लास टेन में आपने पढ़ा है कि जितने हमारे पास वेरिएबल है उतने यदि हमारे पास इक्वेशन भी है तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा, जैसे हमने 2x2 में किया था ना अभी, वैसे यदि हम इसमें अप्लाई करें तो शायद आंसर आ जाएगा क्या। चलो देखते हैं सर, उसमें हमने क्या किया था, ए वन बी वन सी वन इस तरीके से रो में लिख दिया था, तो ये आ जाएगा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, तो यहाँ पर आ जाएगा ए टू बी टू सी टू। फिर क्या लिखूँ मैं सर, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये आ गया। मान लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, मैट्रिक्स ए को, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट, ए का निकाल रहे ना तो सबस्क्रिप्ट में ए लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैट्राइसेस हो और उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है तो आपको डेल्टा ए और डेल्टा बी इस टाइप का कोई भी नाम दे के उसको रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। और अगर ए के मैट्राइसेस है क्वेश्चन में तो फिर आप डायरेक्ट डेल्टा लिख दो, समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ भैया ए के मैट्राइसेस थी और उसी का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे थे, डायरेक्ट हम डेल्टा लिख सकते, ठीक है। तो यही वाली अप्रोच अप्लाई होने वाली है। अब इसका एक्सपांसिएशन कैसे होता है, जैसे 2x2 का तो मैंने डायरेक्ट बता दिया भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बीच में माइनस लगा दो, लेकिन उसका भी एक्सपांसिएशन होता है, उसका एक्सपांसिएशन हम सीखेंगे, क्योंकि उसी एक्सपांसिएशन की मदद से हम 3x3 4x4 वैसे आएगा नहीं, 3x3 के आगे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 4x4 5x5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ना, एक्सपांसिएशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां कुछ रीमार्क्स है, पहले उन्हें देख लेते फिर हम डिटरमिनेंट का एक्सपांसिएशन पढ़ेंगे। देखिए पहला रिमार्क्स क्या बोला गया है, अ डिटरमिनेंट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल डी और डेल्टा। मैंने वहाँ यही किया था ना, डेल्टा लिखा था, मैट्राइसेस ए था तो डेल्टा सबस्क्रिप्ट ए लिख दिया हमने, लेकिन अगर ए की मैट्राइसेस है तो आपको सीधे डेल्टा लिखना है या फिर कैपिटल डी लिखना है। अ डिटरमिनेंट ऑफ द nth ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ एन रो एंड एन कॉलम एंड इट्स एक्सपांसिएशन कंसिस्ट एन फैक्टोरियल टर्म्स। तो ठीक है भैया, एन फैक्टोरियल जब आपको आएगा चैप्टर तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा एन फैक्टोरियल क्या होता है, बाइनोमियल आएगा फिक्र मत करो, तो वहाँ पर एन फैक्टोरियल वाला ये सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी लिखना है, जब बाइनोमियल पढ़ेंगे ये सारी चीज़ आपको समझ आएंगी, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल वाले टर्म्स बनते कैसे। इन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि यदि डिटर्मिनेंट जो है वो nth ऑर्डर का है ना, nth ऑर्डर का है तो उसमें n नंबर ऑफ रोस एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। तो सर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो रही क्या? हाँ बिल्कुल हो रही है, अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन किया है। यहाँ देखिए 3x3 है कि नहीं, 3x3, और सर वहाँ हमने जो बना फाइंड किया था वो क्या था, 2x2, देखिए 2x2 का था, फिर 3x3 मिला। सर उन्होंने खुद बोल दिया है कि nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट से तो नंबर ऑफ रो n नंबर ऑफ कॉलम भी n होंगी, तो सर इससे तो हम एक चीज ये निकाल सकते हैं कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। हाँ सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर का फाइंड नहीं होगा ना। यहाँ तक कि हमने रिमार्क्स पढ़ लिए थे, आगे देखिए क्या बोला गया है, अ डिटरमिनेंट ऑफ nth ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ n रो एंड n कॉलम्स। हाँ भैया ये भी हो चुका है, शेप ऑफ एवरी डिटरमिनेंट इज स्क्वायर, ये तो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके कि भैया n नंबर ऑफ रो n नंबर ऑफ कॉलम ही बार बार आ रहे हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है डिटरमिनेंट। तो यहाँ से मैं पता चल गया, अब क्यों निकाला जा सकता है सर नॉन स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्यों नहीं निकाला जा सकता? तो जब मैं आपको एक्सपांसिएशन पढ़ूंगा ना, जब डिटरमिनेंट का हम एक्सपांसिएशन करेंगे तब आपको जवाब मिल जाएगा क्यों, है ना। आजकल बच्चों को माइंड में आ रहा हूँ क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आपको वहाँ मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले लेंगे और उसको डिटरमिनेंट की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं या नहीं। एक रिमार्क से, साइन सिस्टम ऑफ ऑर्डर टू
ऑर्डर थ्री एंड ऑर्डर फोर, वैसे ऑर्डर फोर आता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। अब सर ये साइंस सिस्टम क्या है, तो भैया मैं आपको बता दूं कि हम एक्सपांसेशन के करीब आ गए है ना, बस एक्सपांसेशन होने वाला है। तो एक्सपांसेशन की मदद से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है साइंस सिस्टम, और साइंस सिस्टम बहुत आसान है, विथ इन सेकेंड में आप याद रख सकते हो। कैसे, कुछ नहीं, भूल जाओ ये जो लिखा है, ये जो साइंस सिस्टम के आपको फिगर दिख रहे हैं भूल जाओ। मैं बोलूँगा आपको कि मान लीजिए 2/2 का आपका एक क्या है डिटरमिनेंट, तो आप बोलोगे हाँ सर 2/2 मतलब चार प्लेसेस यहाँ पर होंगे, चार प्लेसेस हमने बना दिए। अब मैं पूछूंगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट रो ये रही, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये रहा। तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है प्लस साइन की, प्लस लिख दीजिए प्लस, हाँ सर लिख दिया, ये प्लस हो गया ना। इसके जस्ट आगे वाला कौन सा, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट्स क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस, ये रहा माइनस, ये फर्स्ट था ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो रहा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ गया सर, यहाँ कौन सा साइन आएगा, तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा साइन था सर, वो था प्लस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस। इसके आगे हुए जो प्लेसेस है वहाँ कौन सा साइन आएगा सर, ये आ गया है माइनस का, तो अगले में क्या आएगा, अल्टरनेटिव चेंज होते आते प्लस आएगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस। तो सर ये तो कि जैसा हो रहा है प्लस माइनस, माइनस यहाँ ख़त्म हुआ फिर वापस इधर आएंगे, इधर आ गए हम, तो यहाँ क्या था प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर इसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस टाइप से चलेगा। तो सर 3/3 का तो हम बना सकते हैं, क्या करोगे आप सर, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस ठीक है, फिर सर यहाँ प्लस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस, जैसे हमें साइन पता चला सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट का, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट में साइन क्या आएगा सर, कुछ नहीं, इसके ऊपर, यहाँ पर मैं साइन बनाना, इसके ऊपर कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ कौन सा आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, बनाते आया, आसान है कि नहीं है ना, बहुत आसान है। एक्सपांसेशन में ये साइन की हमें जरूरत एक्चुअली होगी, तो ये साइनों को पता होना चाहिए, वहाँ पर हमें साइन पुट करके फिर एक्सपांड करना है। 4/4 का यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट रो में फोर एलिमेंट रहेंगे, शुरुआत हम प्लस से करेंगे, फिर आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सेकंड रो फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा सर, सेकंड रो फर्स्ट प्लेस पे यदि हम बात करते हैं, इसके जस्ट ऊपर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, माइनस आएगा तो फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, माइनस, प्लस। थर्ड रो फर्स्ट प्लेस की बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तब बोलोगे सर यहाँ के एलिमेंट्स इस पर साइन क्या आएगा सर, इसके जस्ट ऊपर कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ सर आएगा प्लस, लिख दीजिए प्लस। अब आगे सर अल्टरनेटिव चेंज करते जाएगा ये, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस। अब लास्ट रो मतलब फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एलिमेंट्स है, यहाँ पर कौन सा साइन लिखो सर, इसके जस्ट ऊपर कौन सा है सर प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यही साइन सिस्टम है, ऐसे 5/5, 6/6, 7/7 में आप कर सकते हैं, वैसे 3/3 तक ही आपको क्वेश्चन आएंगे, 4/4 का नहीं आएगा है ना, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। यही जनरलाइज फॉर्म सब में अप्लाई हो जाएगा, n/n में भी ठीक है। तो आगे बढ़ते हम, ये सारी चीज़ तो हो गई। अब देखो एक्सपांसेशन आ गया, मैंने कहा था ना कि साइन सिस्टम आ गया मतलब एक्सपांसेशन आने वाला है बहुत जल्दी। अब यहाँ पर हम एक्सपांड करना सीखेंगे। 2/2 में तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस लगा देना बस, लेकिन यहाँ पर 2/2 को मैं एक्सपांसेशन की मदद से सॉल्व करना सीखूंगा। देखो आंसर वही मिलेगा, एक्सपांसेशन की मदद से सॉल्व करूंगा, उससे भी करूंगा, लेकिन 2/2 के केस में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको एक्सपांसेशन सिखाने वाला हूँ, इसको आप 3/3, 4/4, 5/5, अप टू n/n में भी अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बताइए, अब बोलेंगे कि सर हमें डिटरमिनेंट गिवन है a1, a2, b1, b2। सर ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, और 2/2 का तो हमने साइन सिस्टम पढ़ा था, वो क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या साइन था सर, प्लस आएगा, भले 2/2 हो, 1/1 हो, 4/4 हो, 3/3 हो, कोई भी हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा सर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके जस्ट ऊपर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ये साइन सिस्टम हमने बना लिया। अब इस साइन सिस्टम को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट करिए। कैसे पेस्ट करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है a1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है प्लस, तो a1 के साथ प्लस लिख दो, वैसे प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया प्लस a1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है b1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है माइनस, तो माइनस को यहाँ लिखो। सर ये ऐसा लिखना से अच्छा तो ये होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर प्लस और माइनस, ये लिख देंगे, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है ठीक है भैया, ये लिख देते हम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है a2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है माइनस,
तो माइनस यहाँ लिख दीजिए। सर अगला वाला तो हमें पता है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस लिख देते, चेक करते सही है या नहीं है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस, सही है हमारा। तो सर ये तो हमने साइन सिस्टम बना लिया, अब इसका एक्सपेंसेशन कैसे करेंगे? तो भैया मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को पिक कर लीजिए, उसके मदद से एक्सपेंसेशन करिए कोई भी एक। तो मैं जो कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, मैं करता हूँ रो वन के करस्पॉन्डिंग हमेशा। आपको भी कोई एक करना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वही वाली मेथड आप रो टू में अप्लाई करके भी उसकी मदद से भी कर सकते हो एक्सपांड, रो थ्री में अप्लाई करके भी कर सकते हो, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री जो भी आपको लेना है उसके थ्रू कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है रो वन, क्योंकि इसमें चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान होता है ना। तो भैया मैं करूँगा रो वन के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेशन इस डिटर्मिनेंट्स का। तो यहाँ लिख देता हूँ रो वन के करस्पॉन्डिंग रो वन का करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेशन। तो रो वन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सर ए वन है और बी वन है। क्या करूँगा मैं? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वन को पिक कर लेंगे, ठीक है। रो वन का फर्स्ट एलिमेंट ए वन, लिख दीजिए यहाँ पर ए वन। और जब ए वन को आपने पिक किया है तो ए वन वाली रो को, ए वन वाली कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या मिला? बी टू मिला, बी टू मिला ना। देखो ये साइन, इसके साइन मत देखो, इसके साइन देखो, ए वन के साथ साइन क्या है? प्लस का। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इसकी रो इसके कॉलम को डिलीट करा आपने, तो क्या मिला आपको? B2 मिल गया। इसके रो को इसके कॉलम को डिलीट करें, क्या मिला? B2। तो यहां पर आ जाएगा क्या? डिटरमिनेंट B2, डिटरमिनेंट B2 लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट B2 नहीं लिखना है, डिटरमिनेंट B2। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट हो गया सर, फर्स्ट रो का सेकंड रह क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है? बी टू, सॉरी बी वन। इसके साथ साइन क्या है? माइनस का। तो सर यहां पर आ जाएगा माइनस बी वन। इस वाली रो को, B1 वाली रो को, B1 वाले कॉलम को डिलीट करो, क्या मिला? A2, लिख दीजिए यहाँ पर A2। और मैंने आपको मैट्रिसेस में भी डिटरमिनेंट की कुछ झलक दी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था वन बाय वन ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जैसे ये क्या है? वन बाय वन का है, B2 है ना, हटा दो डायरेक्ट A1 B2 लिख सकते हम। क्या लिख सकते हैं? A1 B2 माइनस, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, B1 A2। ठीक है सर, हमने ये कर दिया। तो ये तो सर हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेटा एक्सपेंसेस मदद से, आपने कर दिया। हमने वहाँ भी पढ़ा था टू बाई टू का हम डायरेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते भैया? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, ए वन बी टू, ए वन बी टू, बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी वन ए टू, आ गया बी वन ए टू। तो भैया ये जो ट्रिक है वो आप डायरेक्ट टू बाई टू में अप्लाई कर सकते हो, ये वाली ट्रिक जो हमने पढ़ी थी, और एक्सपेंसेशन मदद से भी कर सकते हो। तो टू बाई टू में आपको दो मेथड मिल गई है ना, दो मेथड मिल गई। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे थ्री बाई थ्री में तो वहाँ पर ये मेथड अप्लाई नहीं होंगी। हाँ, बीच में ज़रूर होंगी, क्वेश्चन के बीच में कहीं बताऊँगा कहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल में ये अप्लाई नहीं होंगी इनिशियली। तो वहाँ पर तो भैया आपको एक्सपेंसेशन ही आपके पास ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंसेशन मदद से समझाया, ताकि यही मेथड हम थ्री बाई थ्री में अप्लाई करें और वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से ये और समझ में आए, है ना। ठीक है, थ्री बाई थ्री को देखते हैं हम। देखिए थ्री बाय थ्री का आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, रो वन के एलिमेंट से, एलिमेंट से ए वन बी वन सी सी वन, रो टू के एलिमेंट से ए टू बी टू सी टू, एंड रो थ्री के एलिमेंट से आपके पास ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब भैया मुझे इसका एक्सपेंसेशन करना है, तो आप बोलोगे सर अभी हमने जो एक्सपेंसेशन सीखा है वो रो वन के करस्पॉन्डिंग सीखा है, रो वन के करस्पॉन्डिंग कर देगा इसको एक्सपेंड? हाँ बिल्कुल कर दीजिए, जो सीखा है वही तो अप्लाई कर पाएंगे हम। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, रो वन के करस्पॉन्डिंग एक्सपांशन कर देंगे इस डिटरमिनेंट का। तो भैया जिस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करते हो उसका साइन सिस्टम पता होना चाहिए ना? हाँ सर पता तो होना चाहिए। तो मैं पूछूंगा कि क्या इसका साइन सिस्टम लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, थ्री बाय थ्री का तो बहुत आसान है, हमने याद किया है, याद क्या किया, हमने समझा है, बहुत आसानी से हम लिख सकते। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस आ गया तो इसके बाद क्या आएंगे? माइनस प्लस। तो भैया रो वन कंप्लीट हो गई। रो टू की बात करें, रो टू के फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? सर वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स पे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, आसान था। रो थ्री में क्या करेंगे? सर रो थ्री का जो फर्स्ट एलिमेंट वो भी डिपेंड करेंगे इसके जस्ट ऊपर वाले साइन पे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ प्लस आ गया तो अल्टरनेटिव चेंज होते जाएगा माइनस और प्लस, आसान है, क्या है माइनस प्लस हुआ ना। अब किस रो के करस्पॉन्डिंग आप एक्सपांड करना चाहते हो? सर हम रो वन के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करना चाहते हैं, तो ये साइन सिस्टम को उठाओ रो वन वाले को और यहाँ पर पेस्ट कर दो, बस इतना करना है। अब एक्सपांड कर दो भाई, कैसे करेंगे?
रो वन के करस्पॉन्डिंग, तो रो वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर, ए वन, ए वन के साथ साइन क्या है प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा प्लस ए वन। ए वन वाली रो को, ए वन वाले कॉलम को डिलीट करो, क्या मिला सर, ये मिल गया। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, क्या मिला, टू बाय टू का एक डिटर्मिनेंट मिल गया, कौन सा, बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री, इतना हो गया सर। रो वन का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। रो वन का सेकंड एलिमेंट क्या है सर, बी वन, उसके साथ साइन क्या है माइनस का, तो आप बोलोगे सर माइनस बी वन, माइनस बी वन। अब बी वन वाली रो को, बी वन वाले कॉलम को डिलीट करो, क्या मिला हमें, ए टू ए थ्री सी टू सी थ्री, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, ए टू ए थ्री सी टू सी थ्री, ये हमने लिख दिया। अब सर रो वन के दो एलिमेंट्स हो गए, लास्ट वाला एलिमेंट रह गया है रो वन का थर्ड एलिमेंट, वो है सी वन। सी वन के साथ साइन क्या है प्लस का, तो आप बोलोगे सर प्लस सी वन लिखेंगे। सी वन वाली रो सर ये रही, सी वन वाली कॉलम ये रही, इनको दोनों को डिलीट कर दो, क्या बचा सर, ये बच गया। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो भैया, बस इतना सा था। ये हमने लिख दिया, और मैंने आपसे कहा था कि जो 2 बाई 2 का जो डायरेक्ट मेथड है क्रॉस वाली, वो इनडायरेक्टली 3 बाई 3 में अप्लाई होती है। देखो अप्लाई हो गई, बना 2 बाई 2, बना कि नहीं बना, आसान था ना। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपांजेशन समझना जरूरी था, कि बच्चों को डाउट होगा कि सर ऑलरेडी 2 बाई 2 में हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते, तो फिर हमने डायरेक्ट मेथड फॉलो क्यों नहीं की, डायरेक्ट मेथड से भी आंसर निकाला और साथ में एक्सपांजेशन मेथड से भी आंसर निकाला। वो इसलिए क्योंकि जब 3 बाई 3 रहेगा तो यहाँ पर आपको एक्सपांजेशन ही पहले अप्लाई करना लग गया, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सेम मेथड यहाँ पर फॉलो की, ये हमें इक्वेशन मिल गई, फिर 2 बाय 2 मिल गया ना भाई, अब डायरेक्ट वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी एक्सपांसेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 बाय 2 का एक्सपांसेशन करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट कर दो, जो मैंने आपको सिखाया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो जब आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर ए वन है, क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी टू सी थ्री, बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस बी वन। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए टू सी थ्री माइनस सी टू ए थ्री प्लस सी वन। यहाँ पर क्या करेंगे सर, सेम मेथड को फिर से रिपीट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, ये हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, कैलकुलस अब यहाँ पर आ गई, एलजेब्रा आ गया, बेसिक एलजेब्रा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, सारी डिवीजन नहीं है, नहीं मल्टीप्लिकेशन है, प्लस और माइनस ही, एडिशन और मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, लगाइए, और सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, ए वन ए टू बी टू ए टू बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू एंड सी थ्री, सारे के सारे कांस्टेंट हैं। इनको आप सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेंगी, रियल वैल्यू आपको यहाँ से मिलेंगी, मुझे नहीं पता कौन सी आएंगी, लेकिन इसको सॉल्व करना, इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होंगे कि हाँ इसके आगे क्या करना है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, 2 बाय 2 का क्वेश्चन तो भैया आ गया है। 2 बाय 2 में हमारे पास दो मेथड है, पहले हम क्या करेंगे, एक्सपांसेशन लगाएंगे भाई। सर क्यों, देखो डायरेक्ट मेथड से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो जब हम एक्सपांसेशन लगाएंगे, देखो रिटर्न पेपर आएगा आपका, तो आपको रिटर्न पेपर में भी एक्सपांसेशन मेथड ही लिखना, डायरेक्ट नहीं लगाना। जो डायरेक्ट मेथड है उससे अपने आंसर की जांच कीजिए भाई, कि हमने जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपांसेशन करेंगे। अब बताओ एक्सपांसेशन करते कैसे सर, अभी हमने सीखा है एक्सपांसेशन, हमने सीखा है रो वन की मदद से, तो यहाँ भी रो वन वाला एक्सपांसेशन लगा देंगे। ठीक है भैया, रो वन के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन हम करेंगे। रो वन करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन हम करेंगे 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट से। हाँ सर, 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट से, तो इसका साइन सिस्टम लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत आसान है साइन सिस्टम। साइन सिस्टम सर इसका हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा सर प्लस ही रहता है, भले वो 2 बाय 2 हो, 3 बाय 3 हो, 4 बाय 4 हो, 1 बाय 1 हो, या फिर n बाय n हो, तो यही प्लस आ जाएगा। फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट में क्या आएगा सर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट में क्या आएगा सर, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट पे जो रहेगा डिपेंड करेगा इसके जस्ट ऊपर वाले साइन पर, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ पर सर ये अल्टरनेटिव चेंज होते जाता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हमने बना लिया। अब ये मैं कर रहा हूँ रो वन के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन, तो आप बोलोगे सर रो वन का जो साइन है प्लस माइनस, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए,
यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर रो वन करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं, तो रो वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फोर, फोर का साइन क्या है प्लस का, तो आप बोलेंगे कि सर इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा फोर, ठीक है, फोर वाली रो को कॉलम को डिलीट करा क्या मिला सिक्स, सिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा फोर डिटर्मिनेंट सिक्स। आगे बढ़िए, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट क्या है नाइन, नाइन के साथ साइन क्या है माइनस का, तो यहां पर आ जाएगा माइनस नाइन, नाइन वाली रो को नाइन वाले कॉलम को डिलीट करिए क्या मिला माइनस वन, माइनस वन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, ये हमने लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा, हाँ सर ये लिख दिया। एक बात और मैं मैट्राइसिस में आपको रिपीट कर चुका हूँ कि ये डिटर्मिनेंट है मॉड नहीं है, ये जो वर्टिकल बार है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, इसको मॉड से कंपेयर मत करना वरना बच्चे हैं क्या करेंगे सर मॉड ऑफ माइनस वन है वन लिख देंगे, भैया गलत आंसर आएगा आपका, ये मॉड नहीं है ये अभी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो आप, और अगर इसमें उसको मॉड अप्लाई करना कहीं रहा क्वेश्चन एग्जामिनर को तो वहाँ क्वेश्चन में मेंशन करेगा किसको मोड मानना है डिटरमिनेंट मानना क्या मानना वो खुद बताएगा आपको, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं रहा और दो वर्टिकल बार अगर आपको दिख जाते हैं कहीं तो फिर भैया वो मोड की तरह आप उसे कंसिडर करोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट डायरेक्ट हटा देंगे क्योंकि वन बाय वन का डिटरमिनेंट है तो फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, यहाँ पर माइनस 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 देखो डिटरमिनेंट आएंगे तो क्या मिलेगा माइनस वन, माइनस नाइन माइनस वन से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा सर प्लस नाइन, क्या मिलेगा प्लस नाइन। अब 24 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर 33 मिल जाएगा, ये हो गया। डायरेक्ट मेथड से करके देखेगा सर हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, ये हम डायरेक्ट मेथड से पर चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं। यहां मैं बनाता हूं डायरेक्ट मेथड, क्या करते थे डायरेक्ट मेथड में सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 24, फिर बीच में माइनस लगाते थे फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 9 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 9, तो माइनस 9 यहाँ पर आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 24, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 9 हमें मिलेगा और फिर से 33 आपको आंसर मिल गया, और यही हमारा भी आंसर है, मतलब हमारा आंसर सही है, दो मेथड से सेम आंसर आ रहा मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये एक्सपेंशन मदद से 2/2 का अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है डिटर्मिनेंट की आप लोग कर लोगे ना। आगे बढ़ते हम 3/3, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 3/3 का, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बहुत विशेष ध्यान रखना, आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल प्लस माइनस का है, तो साइन सिस्टम का है वो हम लगा देंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय प्लस माइनस का ही आएंगे और मल्टीप्लिकेशन वाली सारी की सारी प्रोसेस है, और बच्चे अक्सर यही गलती करते, बच्चे क्या टीचर भी कर देते भाई ध्यान नहीं रहता साइन का थोड़ा सा, और एक अगर आपने प्लस माइनस का साइन में कुछ गलती की पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, फिर वो उस गलती को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं कहूँगा धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लेकिन सावधानी से, है ना। फाइंड दी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, 3/3 का हमारे डिटर्मिनेंट से इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं इसे हम एक्सपेंशन कर देंगे रो वन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है भैया, लेकिन उसके पहले हमें चाहिए इसका साइन सिस्टम, और 3/3 का साइन सिस्टम तो हमें पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कोई भी हो डिटर्मिनेंट हो क्या आएगा प्लस आएगा, फिर आगे के अल्टरनेटिव चेंज हो जाएंगे सर माइनस प्लस, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा सर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर चेंज कर लेंगे साइन अपने अल्टरनेटिव, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट सर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, फिर चेंज करेगा ये बन गया इसका साइन सिस्टम। अब रो वन के करस्पॉन्डिंग में इसको एक्सपेंशन कर रहा हूं तो आप बोलेंगे सर प्लस माइनस प्लस ये जो रो साइन है रो वन वाले इसको कॉपी कीजिए पेस्ट कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब मैं क्या करूं तो आप कहेंगे कि सर रो वन के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंशन करेंगे सो यह हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू रो वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है वन, साइन क्या है प्लस का लिख दीजिए प्लस वन, वन वाली रो को वन वाले कॉलम को डिलीट किया क्या मिला सर ये 2/2 का एक हमें बॉक्स मिल रहा है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 4 9 -1 6। रो वन ठीक है फर्स्ट एलिमेंट हो गया, रो वन सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं क्या है 2, साइन क्या है माइनस का तो बोलेंगे आप सर माइनस 2 आएगा, और 2 वाली रो को 2 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 3 2 9 6 मिल रहा है, इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 3 2 9 6 ये हो गया। अब आगे क्या करूं मैं सर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हो गया है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 4 है, 4 के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4, 4 वाली रो को 4 वाले कॉलम को डिलीट करो क्या मिला 3 4 2 -1 इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो सर ये भी हो गया।
आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। क्वेश्चन अब तो बहुत आसान हो गया है। वन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × 4 = 24 माइनस ऑफ 1 × 9 सर माइनस 9 मिलेगा, -2 6 × 3 = 18 -9 × 2 = 18 +4 यहाँ पर 3 × -1 सर हो जाएगा -3 माइनस ऑफ 2 × 4 = 8 हो जाएगा। ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। हाँ सर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया 0, तो ये पूरे के पूरे टर्म्स को 0 बना देगा। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 24 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 24 प्लस 9 क्या हो जाएगा 33, और यहाँ क्या मिलेगा सर -0, और आगे सर +4 टाइम्स ऑफ -3 - 8 क्या होगा सर, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बड़े डिजिट का साइन लग जाएगा, वो है माइनस, तो ये हो जाएगा -11, तो यहाँ पर आ जाएगा -11, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिला 33 - 44 33, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -44 आ जाएगा। 33 - 44 क्या मिलेगा आपको सर, 33 - 44 -11 मिलेगा हमें। तो इससे एक चीज़ पता चले कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकती है। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? हाँ सर मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस केस में इस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या मिली सर, नेगेटिव मिली। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3/3 का एक अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और साथ में इनइक्वालिटी दोनों अप्लाई हो रही है, तो पूरा ध्यान आप प्लीज़ अब बोर्ड पर रखेंगे। 3/3 को फिर से एक्सपांसेशन करूँगा मैं, है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे एक्चुअली आपको, है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने वाले, तो यहाँ पर विशेष आप ध्यान देंगे यहाँ पर। और फिर हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, प्रूफ दैट जो डेल्टा है वो लेस देन इक्वल टू 4 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन हमने सीखा है, लगा देंगे यहाँ पर वो वाली मेथड, उससे डेल्टा आ जाएगा। फिर आगे की चीज़ें सोचेंगे, एल्गोरिथम हमारा बन गया, हमें डेल्टा निकालना है। फिर आगे सोचेंगे कि ये जो डेल्टा इन्होंने बोला है, जो हमारे डेल्टा की वैल्यू है, क्या उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो बात की बात हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपका डिटर्मिनेंट है, हाँ सर 3/3 का डिटर्मिनेंट से, हाँ सर 3/3 का डिटर्मिनेंट से, और इसका यदि हम साइन सिस्टम लिखे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब तो सर आसान है मेरे को लिखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर माइनस प्लस, आसानी से बना सकते हैं। रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन कर रहे हो ना, हाँ सर, तो रो 1 का साइन क्या है प्लस माइनस प्लस, लिख दीजिए प्लस माइनस प्लस लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे हम सर, यहाँ पर इसको हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा रो 1, ठीक है, रो 1 फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 के साथ साइन क्या है प्लस 1, तो आप बोलोगे 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 वाली रो 1 वाले कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा आपके पास सर ये, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आ गया 1। अब आगे क्या करूँगा मैं सर, रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है साइन थीटा, साइन क्या है माइनस का, तो माइनस साइन थीटा, जो सेकंड एलिमेंट है रो 1 का उसकी रो को उसके कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, अब सर रो 1 का थर्ड एलिमेंट बचा है, रो 1 का थर्ड एलिमेंट है 1, 1 के साथ साइन है प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 1, 1 वाली रो को 1 वाले कॉलम को डिलीट करा तो ये मिला हमें, इसे हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1, और सेकेंड रो क्या बनेगी माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ये आपने बना दिया। आप क्या करना है सर, 2/2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना, ये तो हमने सीखा है, डायरेक्ट मेथड से हम इसको कर देंगे, ठीक है भैया करिए। तो 1 क्लोज ब्रैकेट 1 × 1 1 माइनस माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ गया प्लस 1 टाइम्स ऑफ, मैं यहां लिखता हूं ठीक है, प्लस 1 टाइम्स ऑफ
माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस वन इंटू वन सही हो जाएगा माइनस वन। अब कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करना है बस। तो यहां पर है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू इन ब्रैकेट क्या है आपके पास वन, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस साइन थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर माइनस साइन थीटा एज इट इज आएगा, लेकिन यहां यदि हम देखें तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। प्लस वन टाइम्स ऑफ, यहां पर क्या मिलेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन आ गया। अब सारे के सारे ब्रैकेट ओपन करने का वक्त आ गया है, तो ये जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर सर ये ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन अपोजिट साइन के है, तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा जीरो। जीरो को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो, तो हम लिख देंगे माइनस जीरो। और लास्ट में सर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसा नहीं लग रहा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा दो बार आ रहे, हाँ सर, तो एक काम करो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू टू लिख दो, क्या ये लिख सकता हूँ, हाँ सर ये लिख सकते। तो भैया ये मुझे मिल गए डेल्टा की वैल्यू, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो डेल्टा है वो लेस देन इक्वल टू फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, ये प्रूफ करना है। अब भैया डेल्टा की जो वैल्यू है उससे मैं कैसे प्रूफ करूं, आप बोलेंगे सर प्रूफ तो हम कर देंगे, कैसे सर, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा रहता है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा वो लेस देन इक्वल टू क्या रहता है वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीरो, ठीक है भैया। लेकिन सर यहाँ पर वन को ऐड कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो हम यहाँ पर वन को ऐड करेंगे, क्यों करेंगे वन को ऐड, सर पहले वन को ऐड करिए फिर बताते हैं, ठीक है। तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने कर दिया, या भी वन को ऐड करेंगे तो वन प्लस वन टू होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सारी इनइक्वालिटी में होगा। अब सर ये आ गया है, तो एक काम करो उसको टू से मल्टीप्लाई भी कर दो, क्यों उससे क्या होगा सर, टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डेल्टा बन गया ना, और ये तो हमें चाहिए था। यहाँ पर क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू टू, इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू, यहाँ पर क्या मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन को भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा टू, सो यहाँ पर मिल गया टू लेस देन इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है डेल्टा की। तो सर ये जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे इसे डेल्टा बनाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें टू टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था, ठीक है। लेस देन इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल गया फोर, क्या यही प्रूफ करना था क्या, हाँ सर यही तो प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ दैट। आसान था कि नहीं क्वेश्चन, बहुत आसान था भाई, मुझे तो बहुत आसान लगा है ना। फिर भी यदि कोई डाउट आपका रह जाता है कोई भी स्टेप में या फिर इस क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या सीखा सर, हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, और वन बाय वन डिटरमिनेंट, टू बाय टू डिटरमिनेंट, थ्री बाय थ्री डिटरमिनेंट्स को हमने एक्सपांसिव मेथड से सॉल्व किया, टू बाय टू को हमने डायरेक्ट मेथड से भी देखा, वन बाय वन को हमने डायरेक्ट मेथड से भी देखा है, ये सारी चीज़ें की। साइन सिस्टम ने किया, इसके बाद हमने इस टू बाय टू, वन बाय वन एंड थ्री बाय थ्री डिटरमिनेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पर हमें इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री दोनों लग रही थी, तो वहाँ पर हमने उस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री दोनों अप्लाई करके फाइनल सॉल्यूशन तक हम पहुँचे। आज हमने इतनी चीज़ें सीखी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ा है ना इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा। यदि इसके बाद फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डाउट बताइए, है ना, जो भी चीज़ें या भी जो भी आपका डाउट रहेगा हमारी टीम उसको सॉल्व करेंगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।